हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज है 11 सितंबर। तो एक्चुअली मैं बाबू का बर्थडे 10th को होता है, लेकिन यहाँ का गत्ते के हिसाब से आज इनका बर्थडे है। तो सोमवार पड़ रहा था तो मैंने सोचा कि दिन भी अच्छा है तो चलिए आज क्यों ना मनाया जाए इनका बर्थडे। तो सुबह सुबह हम लोग मंदिर आ चुके हैं और बाबू से मैं पूजा करा रही हूँ यहाँ पे। और बाबू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा दिन हो गया था हम लोग को मंदिर आए हुए। कुछ ऐसा था कि मतलब आने का मन नहीं करता था पहले, लेकिन अभी इनका बर्थडे है तो इनको दर्शन करा देते हैं हम लोग हमेशा ही। तो आज भी इनको मंदिर लेके आए हैं और ये सब खेल रहे थे। और टाइम तो इतना भीड़ रहता है कि मतलब जो मेन विंध्यवासिनी माता का मंदिर है वहाँ तो कभी भी दर्शन हो नहीं पाता था। और तीज के एक दो दिन पहले बाबू का बर्थडे पड़ता था तो और नहीं, लेकिन इस बार तीज थोड़ा दूर है तो अभी मंदिर पूरा खाली खाली हो रहा था। लोग बहुत ही सुबह ही आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा खाली है। और आज बाबू ने भी पूजा कर लिया था मंदिर में जाके। उस बार तो मतलब पूजा नहीं कर पाया था तो केवल बाबू को मैं भेज दी थी तो पूजा करके आया था। तो देखिए यहाँ पे विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर यहाँ है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आप तुरंत जाके पूजा कर सकते हैं। तो आज भीड़ नहीं है, लेकिन तीज के टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और यहाँ आने देखिए घर से ही ना वो बॉल लेके आई थी, वो कहीं भी जाती है तो कुछ कुछ ले लेती है तो यहाँ खेल रही थी बॉल। लाओ आओ। तो इसके बाद हम लोग घर पहुँच गए और अभी हो रहा है शाम का वक्त और सब कुछ रेडी हो गया है, डेकोरेशन मैंने कर लिया है और बच्चे सब नीचे यहाँ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हजुर और इनके पापा अभी जस्ट घर में आए हैं तो बैलून वगैरह फुला रहे हैं। और सब तो मैंने पहले से लगा दिया था और बाकी लगा रहे हैं। ला बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे को। एक मिनट एक मिनट रुको, ताला आओ, नहीं करिए ना अभी अभी। पहले तुम खाओ अब उसके बाद मम्मी, अब उसके बाद बहनी, पापा। वाह,
इसको हटा दो पहले, जगह एकदम वो हो गया, बैठने का नहीं हटा उसको। थैंक यू बोलो। तिम्रो दिम लपखा ल यति गर्दा भइहाल्छ ज कोही बात छैन ल भयो अब त्यो खुसो नै ए भाइको कैची गिफ्ट दे रही है तो गिफ्ट देने के बाद बेलून फटालने के बाद अब हो गया है खाना खाने का टाइम। तो हम बच्चे सब बैठ के खा रहे हैं और सब खा के चले गए हैं, अब ये लोग खा रहे हैं और अन्य भी वहाँ से बैठ के खा रही हैं। प्राउ और खाना खाने के बाद अब हो रहा है डांस लाना सर। हाँ नानू तो इस तरह बाबू का बर्थडे का सेलिब्रेशन खत्म हुआ और आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।